आपका देसी टशन चैनल पर स्वागत है। न्यूज और शॉर्ट मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब है बाबा मुराद शाह जी नकोदर के एक बहुत बड़े घराने से थे। बाबा मुराद शाह जी खुद भी बहुत पढ़े लिखे हुए थे और दिल्ली में एसडीओ के पद पर तैनात थे। उनका असल नाम विद्यासागर था। जहां वे काम करते थे वहीं एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी को उस लड़की से रूहानी प्यार हो गया था। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और वे उनके पास आकर कहने लगी कि आप मेरे से शादी करना चाहते हो तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। यह सुनकर बाबा जी ने वापस घर जाने का फैसला किया और वारिस शाह की हीर पढ़ते पढ़ते नकोदर पहुंच गए। वहां पर वे ऐसे ही एक दिन घर जा रहे थे तो रास्ते में उनको बाबा शेरे शाह के दर्शन हुए। बाबा शेरे शाह उन्हें आवाज लगाई कि विद्यासागर किधर जा रहे हो। बाबा जी ने सोचा कि यह आदमी कोई रूहानी ताकत वाला लगता है। फिर बाबा जी उनके पास चले गए। बाबा शेरे शाह जी ने कहा कि तुम मुस्लिम बनना चाहते हो तो मुराद शाह के नाम से ही बनोगे। फिर शेरे शाह जी ने उन्हें कहा कि जाओ अपने घर वालों से मिलकर आओ। बाबा जी घर जाकर सबसे मिलकर वापस शेरे शाह जी के पास आकर रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। बाबा मुराद शाह जी को बाबा शेरे शाह की तरफ से परीक्षाएं देनी पड़ी, परंतु वह एक एक कर सारी परीक्षाएं पार करते गए और बाबा शेरे शाह के सबसे प्यारे बन गए। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन बाबा शेरे शाह जी की बहू बेटा उन्हें वापस ले जाने के लिए आते रहे। बॉर्ड बाबा जी ने कहा कि पहले विद्यासागर जी को पूछ लो, तब विद्यासागर जी कहते हैं कि यह आपके पिता है। मैं क्या कह सकता हूँ, आप इन्हें लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर जब गद्दी पर बैठने की बात आई तो बाबा शेरे शाह जी ने एक से कहा कि तो उसने बोला मैं कबीलदार आदमी हूँ, आप ऐसा कीजिए कि विद्यासागर जी को ही कह दीजिए। तब विद्यासागर जी को यह पूछा तो उन्होंने कहा जैसे आप कहें मैं वैसे ही करूँगा, परंतु आप मुझे बहुत याद करोगे। बाबा शेरे शाह जी ने कहा कि जब भी तुम याद करोगे मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा और आज से तुम्हारा नाम मुराद होगा और तुम लोगों की मुरादें पूरी करोगे। फिर बाबा मुराद शाह जी डेरे पर ही रहने लगे। बाबा जी हर समय ही पढ़ते रहते थे तो एक औरत वहाँ से रोटी का डिब्बा लेकर जा रही थी। बाबा जी उस औरत को डिब्बा ले जाते हुए देखते थे। बाबा जी ने एक दिन उसे माँ कहकर पुकारा और पूछा कि कहाँ जा रही हो। आगे उस औरत ने जवाब दिया कि परसों मेरे बच्चों को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि वो तो बरी हो चुके हैं, तो उस औरत को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। जब वो औरत आगे जाती है तो उसे पुलिस थानेदार मिलता है और कहता है कि तेरे बेटे तो दो दिन पहले ही बरी हुए हैं। फिर वो औरत बाबा मुराद शाह जी के पास जाती है। बाबा जी उस औरत को अपनी माँ की तरह समझते थे। वो हर रोज देर पर आती और बाबा जी के लिए चाय लेकर आती तथा उनके गंदे कपड़े ले जाती और उन्हें साफ करके वापस देर पर दे जाती। एक दिन बाबा जी ने कहा कि तेरे बेटे को इंग्लैंड भेज दें। इस पर वो औरत बोली कि बाबा जी हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कैसे जा सकते हैं। तब बाबा जी बोले मैंने आपको माँ कहा है, जाओ अपने बेटों को बोलो कि दिल्ली में जाकर एक आदमी को मिलो और वो बाहर चले जाएंगे। उसे औरत के दोनों बेटे दिल्ली जाकर उस आदमी से मिलते हैं और बाहर इंग्लैंड चले जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता जाता है। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पैर चलते थे। बाबा शेरे शाह जी ने इन्हें कहा था कि जिस दिन तेरे पैरों में कांटा चुभेगा समझ लेना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। एक दिन चलते चलते बाबा जी के पैरों में कांटा चुभ गया। बाबा मुराद शाह जी से अपने गुरु का विछोह सहन नहीं होता था और वो भी जल्द ही 28 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की तथा 28 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। सिर्फ 4 साल में वली बन जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा मुराद शाह जी दरगाह तथा पिया हाजी अली दरगाह मुंबई को एक जैसा दर्जा प्राप्त है। साडा यार नकोदर दे विच पीर मुरादा वाला।